सुबह सुबह चाय के साथ मम्मी ने बनाया हुआ है चाय, तो पहले चाय का आनंद फिर लेते हैं। ये देख सकते हैं एकदम से इसको मैंने क्या बना दिया। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड। आज मैं सुबह सुबह शुरू कर रहा हूँ इस रोड पे और यहीं से है मैं ही शुरू कर रहा हूँ आज की सुबह मॉर्निंग वॉक वॉक कर करके। और हमारी तरफ तो इतना ज़्यादा ठंड है, क्या ही बताओ यार, ठंड कम नहीं हो रही, सर्दी जी कम हो रखी है मेरे को। तो फिर आज करेंगे घर के काम, काम की शुरुआत करेंगे और देखेंगे घर का नज़ारा भी दिखाऊँगा आप लोगों को भी। और क्या करेंगे आज दिन भर घर पे रहेंगे, काम करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। तो फिर वीडियो पर एंड तक बने रहिए और जरूर देखिए मैं क्या काम कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ आप लोगों को बताऊँगा। मेरा रूम कैसा है, क्या रखा हूँ मेरे रूम के अंदर, क्या क्या चीज़ है, क्या सामान रखा हुआ हूँ, वीडियो किस चीज़ से एडिटिंग कर रहा हूँ और मेरा घर कैसा है, सब लोग आप लोगों को बताने वाला हूँ आज मैं होम लाइफ के बारे में और मेरी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आप लोगों को सब कुछ बताने वाला हूँ। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए, चलो फिर चलते हैं देखते हैं और मेरा लाइफस्टाइल क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास क्या क्या चीज़ है और वगैरह वगैरह आज हम बात करने वाले हैं मेरे बारे में और मेरे गांव के बारे में और मेरे फैमिली के बारे में। आज हम डिस्कशन नहीं यार बातें करेंगे, आज मेरे बारे में बातें करेंगे और घर के बारे में बातें करेंगे, देखते हैं आगे के सामने में आज मेरे बारे में सब कुछ शेयर करने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो पे यार, देखते रहो, मजे उठाते रहो, लाइक एंड सब्सक्राइब, बूम 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 चिक 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 बूम जरूर कर देना। सुबह सुबह जब मैं उठता हूँ तो पहले मेरे को नज़र आता है ये वाला केनाल, पानी जब आता हुआ बस घर से निकला इस चीज़ को देखा और इसमें मुँह धोया और नहाया, बस सारे काम यहीं पे होता है इस पानी में, खाओ पियो नहाओ जो करना है करो बस। और ये हमारे फील्ड रही सामने, वो दिख रही है ना बड़ा वाला फील्ड, ये हमारी प्लेइंग फील्ड है, हम क्रिकेट वगैरह खेलते हैं और इतना बड़ा नहीं है कि हम ज़्यादा ही कुछ खेल पाए, तो वहीं पर हम क्रिकेट खेल रहे हैं ना, वहीं पे हम क्रिकेट खेलते हैं, अभी तक भी खेल रहे हैं। जब भी चार या छः इस तरफ आते हैं ना इस साइड में तो पानी में गिर जाता है बॉल। तो फिलहाल ये हमारी नदी की तरह है, ये पानी पूरा साफ है, दिखा रहा हूँ आप लोगों को, पास जाकर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कितना साफ है, ये देख सकते हो पानी एकदम क्लीन एंड क्लियर है। और सुबह सुबह सूरज का नज़ारा ये देखो, ये हमारे मिट्टी की रोड है, गांव का रोड तो आप लोगों को भी पता होगा मिट्टी का रोड होता है। तो यार ये हमारी गांव का तस्वीर है, नज़ारे है और एक पुल छोटा सा हमारा उस पर जाने के लिए वो रही सामने। सुबह सुबह जब मैं बाहर निकलता हूँ तो पहले मेरे को ये वाला नज़र आता है और मॉर्निंग वॉक करने वाला रोड है ना, ये रहा मेरा पीछे लग गई एक दो किलोमीटर तक, ऐसे ही स्ट्रेट ले गया तो मेरा चेहरा थोड़ा तो नहीं आ रहा, हाँ आगे, तो ये रही मेरा स्ट्रेट रोड और पीछे लग गई ये भी सीधी रोड, वो देखो पीछे पहाड़ है, यहीं से यहाँ से पहाड़ का दूरी है, मतलब यहाँ से कितना डिस्टेंस है, एक 6 या 7 किलोमीटर तक दूरी है पहाड़, तो हम पहाड़ भी जाते हैं घूमने फिरने के लिए। ये रही हमारा बाहर का नज़ारा, तो चलो शुरू करते हैं। सुबह सुबह चाय के साथ मम्मी ने बनाया हुआ है चाय, तो पहले चाय का आनंद फिर लेते हैं, रेड टी अदरक के साथ। तो पहले चाय के साथ थोड़ा टाइम डिपेंड करेंगे, उसके बाद और भी शुरू करेंगे। तो मम्मी ने आज सुबह सुबह चाय बना ली,
इतना ज़्यादा ठंड लग रही है ना, तो चाय तो बनती है। आप लोगों को आज मैं मेरा घर का फाइनल शो, मतलब मेरा घर दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। तो मेरा घर कैसा दिख रहा है तो आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ अभी। तो चलो शुरू करते हैं, मेरा घर कैसा और किस चीज़ से बनाया हुआ है तो फिलहाल अभी देखेंगे। ये रही मेरे घर का नज़ारा, ये देख सकते हो, एक छोटा सा घर। और ये रहा फ्रंट लुक, ये देख सकते हो फ्रंट साइड का, ये देख सकते हो ये फ्रंट साइड है। और अंदर घुसते ही एक छोटा सा पार्किंग हॉल मेरे लिए, सबके लिए। और ये यहाँ पर गाड़ी सब पार्किंग कर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन उस साइड में हमने पूरा नहीं किया, वो अभी तक खाली है, वो सारी अभी तक खाली है। एक मेरे एंट्रो खड़ी हुई है। और यहाँ पर भी जितना कीचड़ वगैरह है मैं इसको आज साफ करने वाला हूँ ये सबको। तो उसके बाद अंदर घुसेंगे घर के अंदर। ये रहे मेरे बेडरूम, और ये रहे किचन, और ये एक स्पेस है यहाँ का स्पेस है। तो फिलहाल इन मम्मी डैडी का ये एक रूम है यहाँ किचन, ये देख सकते हो किचन का हालत क्या हो रखा है यार। जो कुछ भी है यहाँ किचन का सामान जो भी है, गैस टंकी वगैरह। अभी तक घर आधा अधूरी है, ऊपर भी कंप्लीट नहीं हुआ, उस साइड में भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो और पीछे साइड किचन रूम रह गया, और मेरा ये वाला जो रूम है तो उस पे भी हमने एक डोर नहीं लगाया। तो मैंने एक स्क्रीन वाल मैंने लगा दिया, स्क्रीन ये वाला कपड़े वाला ये लगा दिया। तो डोर तो नहीं है तो क्या करें, तो इसको लगा दिया। तो पहले हम ये साइड का नज़ारा है, एक हमने दो तीन डोर ही लगाया है और बाद बाकी हमने छोड़ दिया है। यहाँ मैं आज थोड़ा सा काम करने वाला हूँ, ये जितने भी यहाँ पर स्पेस है ना मैं यहाँ सब क्लीन करने वाला हूँ आज। थोड़ा सा चक्के धड़के दर करेंगे। मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है देखो, इलेक्ट्रिक का हालत मैंने क्या बना के रखा है। ये मेरा आइडिया है ऐसा, अभी घर पूरा नहीं हुआ है ना, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही जुगाड़ करके लगा दिया है। तो कुछ हो सके यूजफुल, बस हम जितना कर रहे हैं बस इतने में ही हम यूज कर रहे हैं। तो ये रह गया बाहर का, ये रह गया घर का। और बाद बाकी हाँ, ये एक नया लाया गया था एक फ्रिज, वेल पर ये वाला हमने एक लाया था नया फ्रिज। तो उसमें भी कुछ नहीं खाली है, बस अभी हम करेंगे सारी जगह सफाई, किचन का भी सफाई करेंगे। और वहाँ जो सामने जो मेरे हॉल की तरफ है ना, यहाँ इस साइड में कहाँ गया, हाँ इस साइड में हम थोड़ा सफाई करेंगे आज, थोड़ा क्लीन करेंगे। क्लीन करके दोबारा हम देखने वाले हैं कैसा लगता है मेरा घर एकदम से। मेरे रूम पे ना एकदम मैंने लाइट नहीं लगाया मेरे रूम पे, क्योंकि मेरे को अंधेरे में सोना अच्छा लगता है। इतना लाइट पे मेरे को जब आंखें बंद करता तो लाइट नजर आता है तो मैं सो नहीं पाता, इसलिए मेरे रूम पे लाइट नहीं लगाया, इसलिए मेरा रूम अंधेरा ही अंधेरा है। देखना चाहोगे मेरा रूम को, अंधेरा 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 ही, कुछ नहीं नजर आएगा। तो मैं जब वहाँ पे भी सफाई कर दूंगा, क्लीन कर दूंगा, तो आप लोगों को मेरा रूम का नज़ारा दिखा दूंगा। और किचन को भी साफ करने वाला हूँ, और इस साइड को भी साफ करने वाला हूँ। तो फिलहाल चलो साफ करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट। पहले साफ करने से पहले हम थोड़ा सा कुकिंग कर ले, तो कुकिंग करेंगे उसके बाद साफ करेंगे। कुकिंग हम क्या कुकिंग करने वाले हैं, हम थोड़ा कुकिंग करेंगे। क्या क्या चीज़ कुकिंग करने वाले हैं हम, मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, मैं थोड़ा कुकिंग करना जानता हूँ। तो पहले कुछ सामान लिया है मैंने कुकिंग करने के लिए। मैं क्या कुकिंग करने वाला हूँ तो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, मैं क्या क्या कुकिंग करने वाला हूँ। तो ये देख सकते हो मैंने क्या क्या रखा हुआ है। टमाटो लिया है, और बैंगन, आलू, उसके साथ करेला। मैं आज इस सबको कुकिंग करने वाला हूँ, तो पहले उसको काट ले।
तो फाइनली हमारी कटिंग हो चुकी है और जितना भी हम कटिंग कर चुके हैं अभी इसको पकाने के लिए 5-10 मिनट तक छोड़ेंगे। मैंने कटिंग कर लिया है, ऐसे ही कटिंग कर लिया है मैंने इस तरह, और आलू को इतना साइज में कटिंग कर लिया और बैंगन अंदर है। तो पहले उस इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे, 5-10 मिनट के लिए इसको पकाएंगे हम। चलो टमाटर को ऐसे ही पका रहा हूँ क्योंकि वो बहुत जल्दी ही वो पक जाते हैं, इसलिए मैं इसको ऐसे ही डाल रहा हूँ, बस हो जाए, बस ये हो चुकी है। हम इसको 5-10 मिनट तक छोड़ देंगे पकने के लिए। तो दूसरे काम हम क्या करेंगे, मसाला बनाएंगे। हम मसाला बनाएंगे, मसाला अदरक लहसुन प्याज जो भी होगा उसके लिए हम मसाला बनाएंगे। तो चलो तब तक ये पक चुकी होगी तो उसको हम छोड़ देते हैं ऐसे 5-10 मिनट के लिए। ये वाले हमारे पक चुके हैं फाइनली, ये देख सकते हो ऑलरेडी ये हो चुके हैं। अब हम इसको बनाने वाले हैं, चलो फिर शुरू करते हैं इसको बनाने के लिए। ये हो गया इसका ऑयल, अभी हम इसको डालने वाले हैं प्याज। ये हो चुके और थोड़े टाइम ट्राई करेंगे अच्छे से अच्छी कुकिंग करने के लिए। तो फिलहाल अभी शुरू हो चुका है कुकिंग, ये हमारे देख सकते हो चालू है कुकिंग। हम फाइनली करेंगे इसको कुकिंग, इतना जल्दी हो सकता है इतना जल्दी हम कुकिंग करेंगे। ये मसाला के अंदर टमाटर मैंने लगा दिया, अच्छी खुशबू आ रही है एकदम से। ये देख सकते हो एकदम से इसको मैंने क्या बना दिया, एकदम से अच्छी तरह हो चुकी है। अभी बस उसको अभी 2-3 मिनट के लिए उसको उबलने के लिए छोड़ देंगे। हेलो गाइज, अभी तो हमारी कुकिंग ख़त्म हो चुकी है, अभी थोड़ा हम खाएंगे खाना। हम करेंगे यहाँ का साफ सफाई, जितना भी यहाँ वहाँ बिखरा हुआ पड़ा है सामान हम उसको साइज में रखेंगे, उसके बाद सफाई करेंगे। तो फिर चलो एक छोटा सा 5 kg का सिलेंडर है, ये भी खाली हो चुका है।
इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। आधे तक तो ख़त्म हो चुकी है, ये देखो ये पड़ा हुआ है आलू, ये ख़राब हो चुकी है, इसको साफ करेंगे। और बाद बाकी जितने भी है, चेयर, ट्रेलर और बाद बाकी जितना ऊपर सामान है उसको मैं सारे निकल दूंगा अभी बस। यहाँ का इतना बस हो गया, चलो फिर शुरू करते हैं। लेकिन जहाँ हमारा अधिकम ख़त्म हो चुकी है, देखो कितना गंदा हो रखी थी, पूरा आधे सुधी मैं क्लीन कर चुका हूँ। और बाकी है वाटर डालना। गाइज अभी हम फाइनली सारी जगह हम साफ कर चुके हैं, आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि मैंने कैसे साफ किया, कैसे क्लीन किया। और मेरा रूम को भी और जितना वो था ना जो साइट में, उसका भी बहुत अच्छी तरह से क्लीन किया है मैंने, खुद किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। अभी शाम तक मैंने काम किया कि पानी डाला, साफ किया बहुत ज़्यादा, और मेरा बेडरूम को भी बहुत साफ किया। तो चलो देखते हैं फाइनल रिपोर्ट कैसा आता है, कमेंट करके जरूर बताना। फाइनल गाइज ये सब देख सकते हो मैं, और यहाँ जितने भी था इतना पूरी तरह से गंदी हो चुकी थी, इतना ज़्यादा गंदा हो चुका था ना, तो मैंने इस चारों को मैं फिनिशिंग कर दिया, और ऊपर टॉप पे भी मैंने फिनिशिंग कर दिया, और नीचे वाले को मैं वाटर डाल के रात को ही मैं फिनिशिंग कर दिया, क्योंकि रात हो गई काम करते करते। आज सुबह मैं कर रहा हूँ ब्लॉग, तो आज ये वाला भी मैंने क्लीन कर दिया, ये वाला भी, यहाँ जो गाड़ी पार्किंग एरिया बोल रहा था ना, ये वाला, तो ये भी साफ कर दिया, और पीछे साइड इस साइड भी मैंने साफ कर दिया, और मेरा बेडरूम भी ऑलरेडी क्लीन हो चुके हैं। और यहाँ देख सकते हो मैंने फ्रिज को भी कितना अच्छी तरह से क्लीन किया है, ये देख सकते हो फ्रिज को भी बहुत ही क्लीन एंड क्लियर कर दिया है। और यहाँ देखो फ्रूट्स वगैरह मैंने रख दिया है, और मेरा फ्रिज चालू है, इसको भी बहुत अच्छी तरह से मैंने इसको क्लीन कर दिया है। तो फिलहाल इसको छोड़ते हैं, अभी चलते हैं रूम की तरफ। ये रहे मेरी बेडरूम, ऐसी दिखती है मेरी बेडरूम। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा लाइट लगा दिया, क्योंकि अंधेरे में तो इतना खास नहीं आएगा, इसलिए मैंने लाइट लगा दिया। ये मेरा छोटा सा बेडरूम, और देख सकती हो मेरे टेबल के ऊपर ये सारे बुक क्या है, बुक, डायरी, जितना भी साउंड की चीज़ें, और इलेक्ट्रिक बोर्ड, बाद बाकी जितने भी यहाँ टेबल के ऊपर मैंने सजा दिया है अच्छी तरह। बस ये मेरा टेबल, और ये रहा मेरा बेडरूम। जो एडिटिंग करता हूँ ना, बहुत सारी की सारी काइंड मास्टर में ही मैं एडिटिंग कर लेता हूँ, और मेरे पास कुछ सेटअप भी नहीं है एडिटिंग करने के लिए। मैंने सारी ड्रेस यहाँ सारी टांग दिया है यहाँ पर, और बाकी पेंट वगैरह मैंने नीचे रख दिया। तो फाइनल गाइस आप लोगों तो मेरा घर भी देख लिया, रूम भी देख लिया, कितने अच्छी तरह से मैंने इसको क्लीन कर दिया है। तो फिलहाल आज मैं बता रहा हूँ हम घर में कितना लोग रहते हैं। घर में हम अभी तो तीन लोग रह रहे हैं, पापा, मम्मी और मैं, और मेरा सिस्टर भी है, वो अभी पढ़ाई कर रही है बाहर है, वो आ जाएगी जब छुट्टियाँ मिल जाएगी तो वो आ जाएगी। टोटल फैमिली हमारी है चार फैमिली, मम्मी पापा और मैं, मेरा सिस्टर, हम चार लोग हैं बस। हम चार लोगों के लिए इतना बड़ा रूम है काफ़ी है। मम्मी तो हाउस वाइफ है ना, तो पापा ही सब कुछ संभालते हैं, और मम्मी भी संभालते हैं। पापा भी घर पे रहते हैं और भी काम करते हैं सारी, तो मम्मी तो घर पे हाउस वाइफ की तरह रहते हैं, तो सारे काम, और मैं उसको कभी कभी फुर्सत मिल जाता है तो कभी कभी हाथ बटल लेता हूँ उसके साथ, उनके कुछ हेल्प कर देता हूँ उसके साथ कि काम के बारे में, सफाई हो गया, किचन हो गया, कि जो भी बाकी है। तो हम तो फोर फैमिली, अभी तो सिस्टर भी नहीं है, तो हम, मैं जितना कोशिश कर रहा हूँ कि उनको जितना हेल्प कर सकूँ, तो मैं उनके लिए मैं कर रहा हूँ। बस इतना ही आज के ब्लॉग पे, मेरी वीडियो आप लोग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल आइकन भी जरूर दबा देना।